वो कौन था? वो गॉर्डन स्टीवर्ड। वो तुम्हें इतनी जल्दी क्यों बुला रहा है? मुझे नहीं पता, उसे कुछ दिन पहले निकाल दिया गया था। बेचारा लड़का, उसे सुबह बुला लेना, वो सिर्फ बात करना चाहता था। मुझे लगता है कि मेरा पीछा किया जा रहा है। अगर आप अपना ईमेल चेक करेंगे तो जिसके बारे में उस दिन बात हुई थी, मैंने वो फाइल आपको भेज दी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में जरूर कुछ करेंगे। अब ये बहुत जरूरी है। ओके, अब मुझे जाना होगा। बाय। हम पहुंच गए। तुम अंदर नहीं आओगे? मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए देर हो जाएगी। ओके, कोई बात नहीं, हम कैब ले लेंगे। अरे हाँ, बिल्कुल, ये ठीक रहेगा। हनी सुनो, मैं तुम्हारे स्कूल में जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग वीकेंड पे घर पे जरूर सेलिब्रेट करेंगे। डैडी, मेरे फुटबॉल मैच का क्या होगा? ओ राइट, फुटबॉल मैच 6 बजे है ना? नहीं, 5 बजे है। 5 बजे, ठीक है ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं जरूर आऊंगा। तुम्हें भी देर हो रही है और मुझे भी, अगर हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो हम दोनों को देर हो जाएगी। चलो बाय। लेकिन आना जरूर, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा। मुझे जाना होगा, आज बहुत बड़ा दिन है। ओके, तुम अच्छा करोगे, मुझे यकीन है। हाँ बिल्कुल करोगे। लव यू। ऑलराइट, बाय बाय हनी, बाय। लव यू, बाय 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 डैडी, लव यू, बाय। क्या आपको लगता है उन्हें याद रहेगा मम्मा? हाँ, वो जरूर आएंगे, बिल्कुल वो आएंगे। चलो कपकेक्स लेते हैं। सही है। सर, 1 मिनट में एयर पर होंगे। सर विक कहाँ है? पता नहीं सर। लियो सॉरी, मुझे देर हो गई, मैं जोसिका को स्कूल छोड़ने चला गया था। द फैमिली मैन, बेहतर होगा तुम अपनी नजर बनाए रखो, नहीं तो तुम गवा दोगे। हाँ ठीक है, अब तो मैं आ गया हूँ ना। हे मिस्टर विक। हे चक, क्या तुम्हारी बेटी फुटबॉल मैच खेल रही है? हाँ सर। गुड, गो ब्लू। गो ब्लू, हाँ सर। और 5, 4, 3, 2। आज वैज्ञानिक समुदाय में एक बैनर दिवस है। प्रसिद्ध 0 पॉइंट कोलाइडर, जिसे बनाने में 1 दशक लगा, वो ऑनलाइन आ रहा है। हमारे मेहमान हैं फाइनेंसियर लियोनार्डो टार्स्की एंड डॉक्टर विक्टर सास्किंड, जो प्रसिद्ध सुपर कोलाइडर के पीछे पार्टनर्स हैं। ये एक लंबा रास्ता रहा, फिनिश लाइन पर आकर कैसा लग रहा है जेंटलमैन? वैसे सच कहूं नैंसी, तो लगता है जैसे हम शुरुआती चरण में है, लंबा रास्ता रहा सचमुच। लेकिन जब 0 पॉइंट एनर्जी के सिलसिले में डॉक्टर सस्किन ने मुझे पहली बार अप्रोच किया, तब मैं 100% प्रेरित हुआ था। डॉक्टर सस्किन, कई लोग चिंता जाहिर कर चुके हैं कि आप जिस अभूतपूर्व एनर्जी लेवल पर काम कर रहे हैं, उसका गंभीर और अनपेक्षित परिणाम निकलेगा। आप इन चिंताओं के बारे में क्या कहेंगे? हाँ हाँ, बदलाव से इंसान डर जाता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा गलत हो। Y2K दिमाग में आया।
लोगों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम पर लगातार कॉस्मिक किरणों की बमबारी हो रही है, जो पृथ्वी पर हमारा द्वारा निर्माण की गई चीजों से ज्यादा शक्तिशाली है। हमारा प्रयोग उन पार्टिकल्स को पूरी तरह से नियंत्रित करना और वातावरण की जांच करना है। मुझे ये जानने के लिए नेतृत्व दिया गया है कि आप जिस कॉस्मिक किरणों की बात कर रहे हैं वो दुर्लभ और डिफ्यूज हैं, जो प्रकाश की गति से आ रही प्रोटॉन्स में सीधे टकराने पर भी दोनों अलग रहते हैं। वैसे सच कहूँ तो खतरे की संभावना है, लेकिन हम इसमें कड़ी सुरक्षा का उपाय कर रहे हैं। अगर हमें एक नोटिस पे मिल जाएगी तो हम इसे बंद कर सकते हैं, ऐसी कोई बात मुझे जरा मैं कुछ कहना चाहता हूँ नैन्सी। हमारे साथ 23 देश और दुनिया के बेहतरीन दिमाग वाले लोग जुड़कर जीरो पॉइंट कोलाइडर को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और अब हिग्स फील्ड के रहस्यों से पर्दा भी उठ जाएगा। कोई भी सम्मानजनक भौतिक वैज्ञानिक इस पर यकीन नहीं करता है कि इसे किसी भी तरह का कोई खतरा है, तो हमें इसे डरने की कोई जरूरत नहीं। खर्चे का क्या? 30 बिलियन से ज्यादा और इसके टोटल खर्च का 80% यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से दिया गया है, ये इतना खर्चीला है। मैं यहाँ कुछ पूर्वाग्रह किया जा रहा है नैन्सी, लेकिन ये वादा है, जीरो पॉइंट से अनलिमिटेड स्वच्छ एनर्जी प्राप्त होगी। हम लोग अंतरिक्ष में फैले क्वांटम फ्लक्स से भी पावर बनाने की बात कर रहे हैं, वो भी स्पेस टाइम से, असीमित साफ और मुफ्त एनर्जी सभी के लिए। अगर इसमें 30 बिलियन डॉलर और मेरी जिंदगी का एक दशक नहीं लगा होता तो पता नहीं क्या होता। वेल डॉक्टर सस्किंड, मिस्टर टास्की, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच नैन्सी। थैंक यू। और हो गया? थैंक यू। थैंक यू। क्या तुम ये कोड रखोगी प्लीज? थैंक यू। थैंक यू। क्या कुछ हुआ है विक्टर? नहीं, थोड़ी घबराहट हो रही है क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है। बिल्कुल, और तुम्हें गर्व होना चाहिए, ये एक माइलस्टोन होगा। हाँ, मुझे गार्डन का पागलपन भरा कॉल आया था, उसने मेरी सुबह खराब कर दी। सुनकर अफसोस हुआ, मेरा मतलब उस आदमी को हेल्प की जरूरत है, और शर्म की बात है कि हमने उसे भेज दिया, पर कोई चारा नहीं था। हाँ। क्या कहा उसने? मुझे नहीं पता, मैंने स्पीकर पे लगा के छोड़ दिया, हालांकि वो मुझे मेल भी कर रहा था। ईमेल? और क्या था उस ईमेल में? मुझे आइडिया नहीं है। हे रॉबर्ट्स, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? बस खत्म कर रहे हैं विक। ओके। वेक, एक बार जरा आकर के देखोगे यहाँ? क्या हुआ? मुझे लगता है हमारे एटमिक क्लॉक में कुछ गड़बड़ी है। क्या? एक बार देखो जरा, ये हमारी रीडिंग है, और ये वही है जो हमें USNO से मिल रहा है। इसमें तो 2 सेकंड की डिस्क्रेपेंसी है। कम से कम 2 सेकंड की मैचिंग नहीं हो रही है। ये तो परमाणु घड़ियां हैं, फिर ये कैसे संभव है? अब हम क्या करेंगे? जब तक गलती नहीं पता चल जाती तब तक इसे बंद कर देते हैं। लियो कहाँ है? लियो यहाँ क्यों नहीं है? जल्दी से उसे फोन करो, जल्दी। ठीक है, कैसा खतरा है? सच बताऊं तो मुझे नहीं पता है, ये बता रहा है कि जहां हमें होना चाहिए वहां से 5 सेकंड आगे है। जरूर मापने में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। मैं कहता हूं इसे ऑफलाइन में लेके इसके जंग छुड़ाने चाहिए। डाउन टाइम के लिए हमारा एक दिन का खर्च 20 बिलियन डॉलर पड़ता है, तो इसके लिए कोई उपाय नहीं, मैं इजाजत नहीं दे सकता, हमें आगे बढ़ना चाहिए। टाइम मिसमैच होकर 6 सेकंड हो गया है विक। सुनो लियो, हमारी परमाणु घड़ी में कुछ गंभीर विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं। और रुको रुको, ये अब ये क्या है? हम लोग देख रहे हैं कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा है। सावधानी की प्रशंसा करता हूं, लेकिन कभी कभी हमें बोल्ड होना पड़ता है विक्टर, हम उसे बंद नहीं कर सकते, प्लीज आगे बढ़ो। 6.5 सेकंड की मिसमैचिंग हो गई है विक, और अभी भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ये पूरा नया डिटेक्टर की तरह है जो ऑनलाइन आया है। मैं 7 सेकंड के टाइम शिफ्टिंग रीड कर रही हूँ। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है।
पानी नहीं मेरी शरीर में। ये क्या हो रहा है देखो। अरे बाप रे, आज तो किसी की हिम्मत नहीं। विक, चलो चलो चलो। हेलो विक, आखिर तुम हो कहाँ? मुझे माफ करना, कौन हो तुम? मैं चक। क्या तुम दलाई लामा की उम्मीद कर रहे थे? मैं आ गया हूँ, काम पर जाना है कि नहीं? मैं अपनी वाइफ और बेटी को देखना चाहता हूँ। सुनो यार, अपने ख्यालों से बाहर निकलो। एक्स वाइफ को कार में से भी फोन कर सकते हो। देखो, तुम्हें अपनी नौकरी खोनी है क्या, वो भी ऐसी हालातों में? ठीक है। दोस्त चक, विक आ जाओ यार, जल्दी से कार में बैठ जाओ। मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा है। अगर उसे फोन करना है तो मेरा ले सकते हो। चलो आ जाओ, जल्दी से कार में बैठ जाओ। चलो यार, क्या सोच रहे हो, अब चलो भी। चलो जल्दी आ जाओ, लेट हो रहा है, जल्दी करो, बैठो। क्या यार, चलो। मुझे माफ करना, सच में मुझे सिर्फ यार, क्या प्लीज बात मत करो। ये लो, दुनिया पर एक एहसान करो और इसके साथ भी कुछ न्याय करो। ओ, आज ब्रश करना भूल गए क्या? आज पूर्वी देश से हमें चौथे स्तर के टोर्नेडो आने की चेतावनी मिली है और ओस्वेगो फेरिंग क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को सलाह दिया जाता है कि यहां से कुछ समय के लिए प्रस्थान करने के लिए वे अपनी जरूरी सामान को पैक कर लें। पता नहीं, लगता है जैसे मौसम बदल रहा है। लगता है तुम्हारा फोन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने मैसेज किया तो बोलता है नंबर सेवा में नहीं है। लेकिन मैंने जब फोन किया तो काम कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है वो अपने फोन का बिल भरती होगी? फोन बिल ये तो अपने आप कट जाता है। क्या तुम उसका फोन बिल अब भी अपनी सैलरी से भरते हो? नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मुझसे मत पूछो। वो क्या टोर्नेडो की चेतावनी थी? क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा बर्ताव कुछ अलग लग रहा है विक। मुझे भी लग रहा है। आखिरी बार टोर्नेडो से हमारा सामना कब हुआ? लगता है 2 दिन पहले या फिर शायद 3 दिन पहले। तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो मेरे दोस्त? मतलब कुछ बोलना है? देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। कार रोको। क्या हो गया? कार रोको। क्या? मैंने कहा ठीक है, ठीक है, रोकता हूँ, रोकता हूँ। विक, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? कहाँ जा रहे हो? ये सब क्या है? चलो चलते हैं, कहाँ जा रहे हो? मैं यहीं रहता हूँ। ओ, अब ये तुम्हारा क्या नया नाटक है? यहाँ जो विकास हुआ था उसका क्या? देखो, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता दोस्त। चलो, देर हो जाएगी, चलो चलते आ जाओ, बैठ जाओ, दरवाजा बंद करो। गुड बॉय, अब तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। Thank you.
शुक्रिया सर। नहीं मुझे नहीं चाहिए। विक, इधर आओ, चलो चलते हैं, देर से ही सही। आज के लिए तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। मैं लियो से बात करना चाहता हूँ। लियो? लियो डार्स्की? हाँ। देखो उससे बात करने से कोई मतलब नहीं है। तुम सच में मुझे पागल कर दोगे यार। ओ, लगता तुम्हारा फोन ऑन हो गया है। लगता है किसी ने बिल भर दिया। हेलो। हे, मैं बोल रही हूँ। नतालिया तुम हो कहाँ? मुझे तुमसे मिलना है। हाँ वो इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया था। मैं जेल में हूँ विक, मैं चाहती हूँ तुम मुझे बाहर निकालो। तुम जेल में हो, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे थर्ड डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है? मैं चाहती हूँ तुम मेरी बेल कराओ। ओके ठीक है, तुम बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें निकालूंगा। तुम्हें पता है मैं कहाँ हूँ? थर्ड स्ट्रीट जेल में हूँ। यहाँ आ जाओ और जरा जल्दी करना, मैं वेट कर रही हूँ। मैं जल्दी ही आऊंगा। मुझे तुम्हारी कार चाहिए। क्या? नतालिया मुसीबत में है, मुझे जाना है। एक्स जेल में है, शॉक। देखो चक, मुझे तुम्हारी कार चाहिए, प्लीज। टैक्सी ले लो प्लीज। नहीं, उसे यहाँ पे प्लेस करो। ये थैंक यू चक। सही कहा। हाँ, नहीं मैं उसे देख लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। नहीं मुझे नहीं चाहिए। नहीं मैं खुद से देख, ये सब हो कैसे रहा है? फाइल मैंने भेज दी है, ईमेल मिल जाएगा। मैंने पता इसके अंदर। हां मैंने लिखा। ये देख रहे हो, ये सब हो क्या रहा है? हे, आराम से बैठ जाओ। हे ये विक, तुम जानते हो तुम वहां नहीं जा सकते। कम ऑन। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या तुम सीरियस हो? डी और डी, यही हुआ। डी और डी वो है क्या? ड्रंक और डिसऑर्डरली विक। क्या वो घंटी बजती है? हाँ बिल्कुल। देखो तुम्हें उसे प्रोग्राम में वापस लाना होगा, या तुम्हें उसका पता लगाने में कुछ मदद लेनी होगी। मुझे पता है तुम तलाकशुदा हो, लेकिन तुम वही हो जिससे वो अभी मिली है। कम से कम तुम जानते हो इस बार जिस दिन उसने तुम्हें बुलाया तुम गए, लेकिन तुम अपनी बेटी की मौत के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराओगे। जेसिका की, जेसिका, कम ऑन विक। मैं जानता हूं ये मुश्किल समय है, लेकिन इसे पास्ट की घटना समझकर भूल जाओ। तुम पहले आदमी नहीं हो जिसने अपना बच्चा खोया है। विक, जिंदगी फिर भी चलती रहेगी। मैं उसे वापस लेकर आता हूं। हम उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं। नतालिया रुक जाओ। क्या है? नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हें किस बारे में बात करनी है? जेसिका के बारे में। ग्रेट, फिर से शुरू हो गए। तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में बात करनी है विक? तुम इसी बारे में बात करना चाहते हो ना? तुम बात करना चाहते हो कि मैं कितनी बुरी माँ हूँ और सब मेरी गलती है ना? नहीं, नहीं, यही बात तो है। मैं खड़े होकर देखती रही और उसे कार कुचल कर चली गई। नहीं नहीं, ऐसा तुम्हें नहीं लगता मैंने इसके बारे में कभी भी सोचा होगा? उसके छोटे शूज और उसका खून। मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे। हमें चलना चाहिए। पूरी दुनिया से हमें ये खबर मिल रही है कि फोर्थ और फिफ्थ ग्रेड का दर्जनों भर टोर्नेडो चल रही है। दक्षिणी राज्यों और मैक्सिको में बड़े पैमाने पर पलायन की अफवाहें फैल रही हैं, जहां का मौसम पैटर्न अपेक्षाकृत स्थायी रूप से फैल रहा है। अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। पता नहीं क्या हो गया।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या हुआ है? वेक? हाँ. मैं नहीं जानती क्या हुआ. जरा याद करो, कुछ घंटे पहले हम एक साथ थे. ओ नो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है. हम कोलाइडर पे थे, वहाँ कुछ दिक्कत हुई थी. प्लीज याद करने की कोशिश करो. ओ गॉड, प्लीज जरा याद करो. उसके बारे में सोचो. एक सेकंड रुक जाओ. परमाणु घड़ी में कुछ दिक्कत हो गई थी. मैं तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है. याद करो तुम प्लीज. क्या कर रहे हो? क्या है ये? देख नहीं सकते, वो बीमार है. उसे याद मत दिलाओ. वो औरत मुझे जानती है. वो तुम्हें जानती नहीं है विक, उसे एमआरएस है. एमआरएस? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? उसे मेमोरी रिलैप्स सिंड्रोम है. क्या 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 हो क्या गया है तुम्हें? नतालिया, ये डॉक्टर एमिली रॉबर्ट्स है. ये एक्सीडेंट के समय मेरे साथ थी. नहीं, ये तुम्हें भी हुआ है ना? नहीं, कोई बात नहीं. थैंक यू. ऑलराइट, नहीं मैं उन्हें आने के लिए कहूँगी. ओके, थैंक यू डॉक, बाय. क्या कर रहे हो? घर तक छोड़ने के लिए थैंक्स. तुम यहाँ रहती हो? हाँ विक, डॉक्टर फ्रंग तुमसे तुरंत मिलना चाहती हैं. कौन? डॉक्टर फ्रंग, थेरेपिस्ट जिनसे तुम मिले जेसिका के बाद. तुम्हें कुछ भी याद नहीं है ना? मुझे लगा सिर्फ मैं पता है. देखो, सिर्फ इनसे मिलो. ओके, वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और मैं जानती हूँ तुम नहीं जाना चाहते, लेकिन वहाँ चले जाओ. ओके, मुझे नहीं लगता है कि मैं जानती हूँ. मैं जानती हूँ विक, लेकिन उनसे जाकर मिल लो. ओके प्लीज, मेरे लिए. ठीक है. ओके, थैंक यू. मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं. आपको पिछले 4 सालों की कोई बातें याद नहीं? मुझे यकीन नहीं होता. यकीन नहीं होता? मुझे कुछ बातें याद है. क्या आपको याद है कि हमने आपकी थेरेपी कहां तक कंप्लीट की थी? नहीं, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं याद है. आपको क्या याद है विक्टर? अब वहां कोई टोर्नेडो नहीं था. नतालिया थी, वो अलग थी. वो अलग थी, सब कुछ अलग था. सब कुछ अलग था. आपकी बेटी के बारे में कुछ? जेसिका, आपको उसकी याद आती है? हाँ, मुझे उसकी याद बिल्कुल आती है. हाँ, मुझे पता है, वो 7 साल की होने वाली थी. विक्टर, आपकी बेटी मर गई जब वो 3 साल की थी. आप एक बुद्धिमान इंसान हैं. आपको पता है बच्चे के खोने का सदमा दिमाग पर हो सकता है. क्या आपके साथ ऐसा ही हो रहा है? मुझे लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है.
आश्रय गृह में मैंने देखा कि मुझे कोई पहले से याद है। आपकी बेटी के मरने से पहले? नहीं, जब तक सब कुछ बर्बाद नहीं हो गया था, कोलाइडर पर एक्सीडेंट होने से पहले। और वो कोलाइडर एक्सीडेंट आपको लगता है कोई संदिग्ध घटना नहीं है? संदिग्ध? हाँ, मुझे लगता है वो संदिग्ध है, क्योंकि वहां सब कुछ शुरू हो चुका था। कुछ अजीब सी बाहरी शक्तियां काम कर रही थीं, क्योंकि घड़ियां बंद हो गई थीं। कोलाइडर का एक्सीडेंट विक्टर? हाँ। आपकी बेटी की मौत कार से ठोकर लगने से हुई थी। उसकी मौत ठोकर लगने से हुई विक्टर, इसके बारे में सोचिए। ठीक है, तो ये MRS क्या होता है? मेमोरी रिलैप्स सिंड्रोम। विक, कम ऑन नाउ। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रही हैं। मेमोरी रिलैप्स सिंड्रोम मास हिस्टेरिया का एक रूप है, जिसका अभी निदान किया गया है। इस पर काफी दबाव दिया गया हाल ही में, जो भी हुआ, खासकर वो नकारात्मक पहलू, उसे इसके लक्षण होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये जिम्मेदारी से भागने का एक प्रकार है कुछ दुर्लभ मामलों में। इसे एमनेशिया कहते हैं विक्टर। तो आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है? आप एक वैज्ञानिक हैं विक्टर, आपको किस बात की संभावना लगती है? पूरी दुनिया बदल रही है या कोपिंग मैकेनिज्म की वजह से आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर विकसित हो गया है? मैं आपके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन लिखने जा रही हूं, जो आपको ठीक होने में मदद करेगा। मैं समझ सकती हूं कि सच्चाई का सामना करना मुश्किल होता है, खासकर ऐसे कठिन समय में, खासकर आपके केस में। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है विक्टर, हमें उसका स्वीकार करना ही पड़ता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ देखो, कुछ तुम्हें कुछ दिखा? हाँ, नहीं नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा यहाँ से। तुम चेक करते रहो, ठीक है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
एक्सक्यूज मी। हे, क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो विक? याद है कल मेरा फोन खो गया था, मुझे मिल गया। हाँ, वो तुम्हारे पॉकेट में था। नहीं, ये मेरा दूसरा फोन है। तुम कंपनी से कुछ नहीं ले जा सकते हो, तुम्हें पता है ना, हम सब नेटवर्क सुरक्षा एम्प्लॉयज हैं। याद आया, चलो वापस। सच में? हाँ, देखो तुम्हें अपनी जॉब की परवाह नहीं है, लेकिन हमें हमारे जॉब की परवाह है। तुम जाओ और अपना काम करो, समझे? देखो यार, तुम कहाँ जा रहे हो? जस्ट रिलैक्स, मैंने कहा ना रिलैक्स। ठीक है, मुझे वो फोन चाहिए। अब मुझे क्या देख रहे हो, चलो अपना अपना काम करो, चलो। हाय। हेलो, तुम्हारे पास आईफोन का चार्जर है? आई मतलब क्या? आईफोन का मुझे देखने दो। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। ये है क्या? कम ऑन यार, ये आईफोन है, ये हर जगह मिलता है। वैसे मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये कितने का है? $10। और ये कितने का है? $20। अच्छा, ये लो। हेलो। हे विक, मैं चक हूँ। हे चक। हे यार, आज जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ करो। क्या चल रहा है यार, कल से तुम अजीब हरकतें कर रहे हो। कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं खुद को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मैंने नोटिस किया। सुनो, क्या तुम ड्रिंक लेने बाहर जाना चाहते हो? नो थैंक्स, कुछ बात कर। मुझे लगता है कि मुझे देर हो जाएगी। ठीक है यार, थैंक यू सो मच, तुमने कॉल किया मुझे। ओके, बाद में बात करते हैं। क्या ये काम आएगा? तुमने कहा कल वो कुछ कंफ्यूज्ड लग रहा था, मगर खुद नहीं। जी सर। और आज? मुझे नहीं पता, परेशान, ज्यादा आक्रामक। वो अंदर आया, उसने अपना फोन लिया और फिर चला गया। मुझे लगता है आज रात मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत पड़ेगी। मेरी? आज? हाँ। ठीक है, बढ़िया। नतालिया? विक, स्वीटी कहाँ हो तुम? तुमने प्रॉमिस किया था होगी। नतालिया, तुम कहाँ हो? अभी मैं फील्ड में हूँ, थोड़ा सा वक्त है, लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा। तुम्हें पता है ना, वो चाहती है तुम उसे खेलते देखो। अब जल्दी करो। मम्मी मम्मी, डैडी है क्या? मुझे उसे बात करनी है, मुझे उसे बात करनी है। ये लो डैडी। डैडी, आपने वादा किया था। कोई बहाना नहीं।
मैं जानता हूँ मैं काम कर रहा हूँ। डैडी आपको कहा था ना कोई बहाना नहीं, याद रखिए। जितना जल्दी हो सके मैं आता हूँ, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। हाँ डैडी प्लीज। यस एक सेकंड होल्ड करो। हाँ रुको। हेलो। हे विक। हे चक, क्या चल रहा है? सुनो माफी चाहता हूँ, क्या तुम कल सुबह आ रहे हो? तुम्हें लिफ्ट चाहिए? नहीं थैंक्स। आज भी नहीं? हाँ नहीं। सुनो यार, सिक्योरिटी उसके बारे में पूछ रहे थे जो तुम यहाँ से लेकर गए थे। एक बजे तुम फोन के लिए फोन कर रहे हो? मैंने बताया ना ये मेरा फोन है। मुझे पता है यार, सिर्फ तुम खुद आकर उन्हें कह दो, उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ये मेरा फोन है, कौन सी बड़ी बात है इसमें? जानता हूँ यार, लेकिन गॉर्डन स्टीवर्ट के साथ जो हुआ था उसके बारे में तुम्हें पता है ना? गॉर्डन के साथ क्या हुआ था? वो क्यू में मरा हुआ पाया गया। क्या, कैसे? अफवाह है कि उसे दिल का दौरा पड़ा था, मतलब उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया था। जरा आकर उनसे एक बार बात कर लो प्लीज। हाँ जरूर। अब मेरा काम हो गया, क्या मैं घर जा सकता हूं? चेक करेंगे तो जिसके बारे में उस दिन बात हुई थी मैंने वो फाइल आपको भेज दी है। मैं यहीं रुकता हूं। चलो अब ये क्या? मैंने देखा बच्चे हैप्पी बर्थडे गाना गा रहे थे। ये जेसिका है और इसका सातवां बर्थडे है ये, और इसके राइट में नतालिया है, ये देखो। विक्टर आप इसे साबित क्या करना चाहते हैं? क्या ये वीडियो जो आप दिखा रहे हैं, आपका मकसद क्या है? आपको समझ में नहीं आ रहा है, जेसिका 7 साल की हो गई है और ये ईमेल की तारीख देखिए, ये नतालिया की है 2 दिन पहले की, आप जानती है ना? विक्टर आप मुझे ये बताइए ये नतालिया की तरह हूबहू कैसे दिखती है? विक्टर ये मेरी बेटी है, ओके? आपने कहा ये 3 साल की थी तब मरी, लेकिन ये 7 साल की है, 7 साल की। आप मुझसे क्या बुलवाना चाहते हैं कि आपकी बातों में फंस कर मैं आपको कह दूंगी कि आप ठीक हैं? आपको लगता है मैं आपको फंसा रहा हूँ? अच्छा ये बताइए आपने इससे पहले ये फोन कभी देखा है? नहीं, ये कहीं मिलता ही नहीं है।
ऑब्वियसली ये फोन मिल रहा है क्योंकि ये आपके हाथ में है। मुझे लगता है कि दिक्कत इस बात की है कि आप वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले रहे हैं जो मैंने लिखी थी। दवाइयां, आप मुझे दवा देना चाहती हैं? हाँ दीजिए। ठीक है विक्टर, मैं सुन रही हूं, क्या एक्सप्लेनेशन है? मुझे विश्वास है कोलाइडर पर एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से हमने टाइम को आगे शिफ्ट कर दिया था। वास्तविकता शिफ्ट हो गई है। एक अल्टरनेट यूनिवर्स? हाँ, एक दुनिया जहां सब कुछ गलत हुआ और आपकी बेटी की मौत हुई। हाँ बिल्कुल सही। विक्टर, आपको भरोसा करना चाहिए कि ब्रह्मांड बदल गया, ना कि आपकी दिमागी हालत में कोई इश्यू है। यह टेक्स्ट बुक MRS है। ठीक है, मुझे MRS के बारे में बताइए। इसके बारे में क्या? आपने कहा ना कि हमने एक काल्पनिक दुनिया में शरण ली है। हाँ, एक दुनिया जहाँ कोई टोर्नेडो नहीं है। Naturally. एक दुनिया जहाँ अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अच्छी है। हाँ, ये इनकार का एक रूप है। Exactly. Exactly क्या? ये इनकार का एक रूप है। एकमात्र सवाल वो किसका है? वो कहाँ है? वो अभी तक यहां नहीं आई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो किसी भी क्षण दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। मुझे नहीं पता, लेकिन उसे जेल नहीं होना चाहिए। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। विक, तुम्हें क्या लगता है? उसे सिर्फ सहानुभूति चाहिए और वो तुम दे सकते हो। तुमने अपने आप को बदल लिया है यह जानकर मुझे खुशी हुई। उसे कैसी सहानुभूति की जरूरत है मैं नहीं बता सकता। तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी की मौत के बाद उसे जिस चीज की जरूरत थी वो तुमने कभी नहीं दिया। वो चीज क्या थी? मुझे अफसोस है। तूफान की वजह से पश्चिमी देशों में बहुत सारे लोगों की जान चली गई। माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। अभी भी खतरा बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि सुरक्षा के लिए सेनाएं तुम्हारी ईमानदारी के लिए अभी भी फंसी हुई है। एनी टाइम। माफी चाहता हूँ, हम एक लंबी छुट्टी पर चले गए थे और जैसे ही हमें पता चला कि टोर्नेडो US के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में भारी तबाही मचा रखी है, कुछ शहरों के लिए पहले चेतावनी जारी की गई थी कि वहाँ पर तबाही आने वाली है। उन शहरों के नाम हैं सलेम, उजीन, पोर्टलैंड बेकर और सेंट्रल ओरेगन, उसके बाद वाशिंगटन। हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट की तरफ से जल्दी एक घोषणा होने वाला है। तबाही की वजह से हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं और यहाँ तूफान बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया का G20 के सदस्यों के बीच हाई लेवल की मीटिंग हुई। फैसला लिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध के सभी लोगों को खाली करने का प्रयास किया जाएगा और साथ ही साथ सैकड़ों मिलियन लोगों को दक्षिण की तरफ स्थानांतरित किया जाएगा, जहां के बारे में अनुमान है कि वहां मौसम ज्यादा स्थायी रहने वाला है। अगले 24 घंटे में घोषणा होगी जिसके बारे में सब लोगों को पता है। वो कह रहे हैं कि ये सभ्यता का पतन होने जा रहा है। ये पूरी तरह से अव्यवस्थित होगा। एक नाटकीय घोषणा होने जा रही है। मुझे नतालिया को आज रात की ताजा खबर। अगर तुम होते तो मैं हेल्टर शेल्टर चेक करता। हेल्टर शेल्टर एक अंडरग्राउंड क्लब है जिसके नीचे सिर्फ 4 ब्लॉक हैं। उसे कोई भी बाइकर मिस नहीं कर सकता। हां शुक्रिया। हां बिल्कुल सही है, सही। हां इसे ले लो। ये चाहिए? हां फिर ऐसे हाथ घुमा। चलो मजे करते हैं। हां देखो अब वो कौन आ रहा है। अरे तुम्हें तबाही की मत छोड़ो यार, ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारे बस की नहीं। सही कहा तुम। क्या कर सकते हैं अब? मेरी ये दुनिया एक दिन नष्ट हो जाएगी। हां सही, हम सब मरने वाले हैं, कोई नहीं बचेगा। चलो चलते हैं। दिखता नहीं है क्या? रास्ते से हट जा। अरे ठीक से चल। क्या 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 सामने से हट जाओ। अरे हट जाओ, धोखा मत मार। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। चलो निकलो यहाँ से।
बाहर निकलो विक, मुझे पता है तुम अंदर हो। चलो अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, बाहर निकलो। उसे बाहर निकालो। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, एक मिनट। अरे अंदर ही रहो, माफ करना। दे दो मुझे। क्या फोन अभी? हाँ देखो उसे, हाँ हाँ मैं उसे चलाता हूँ। बहुत मजा उसे करने का नाम है लाइफ। मुझे नहीं बताया।
करते हैं 3-2-1। फिर से नाट नाट, यहाँ क्या कर रहे हो विक? Hey, Nick. मैं विक हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो प्लीज। तुम्हारी दवाई कहाँ है, ले रहे हो तुम? इससे इस बात का कोई लेना देना नहीं है। सुनो मेरी बात, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी जब तक तुम नहीं लोगी। नतालिया सुनो, तुम एक हाइक ले लो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। लेकिन ये नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर रहो। जो भी, सुनो, मुझे अकेला छोड़ दो। नतालिया, तुम मुझे नहीं चाहते हो विक, क्योंकि मैं पुरानी हो गई हूँ। नहीं, और मैं तुम्हें नहीं चाहती। सुनो, तुम मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। नहीं, तुम्हें ये देखना चाहिए। अब हमें चलना चाहिए, कम ऑन। नतालिया सुनो मेरी बात, सुनो, तुम उसे देखो प्लीज। भूल जाओ उसे। यहां से बाहर निकलो, चलो जाओ। ठीक है, ठीक है। ये क्या है? अब इस इंसान को मुझ पर छोड़ दो। सॉरी भाई, मैंने तुम्हें बोला था वो फोन के बारे में सीरियस थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि ये सब उस फोन की वजह से हो रहा है? आराम से, कहा ना आराम से। उसकी जान लोगे क्या? मुंह बंद रख, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। विक, मेरी बात सुनो, उन्हें वो चीज दे दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बॉस ओसीडी जा रहे हैं, सिर्फ उन्हें बता दो कि वो फोन कहाँ है, मैं घर जाना चाहता हूं। तुम्हें पानी चाहिए? लो पी लो। अरे यार, क्या ये जरूरी है? अच्छा बंदा कोई गुनाह नहीं है। घर जाओ चक, बस मदद कर रहा था। एक शब्द नहीं, ठीक है? समझ गया। क्या चाहिए? मुंह बंद रख। हेलो विक। लियो। हाँ, क्या चल रही है? मैं तुम्हें सब कुछ प्यार से बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे फोन की जरूरत है। वो मेरे पास नहीं है। विक, तुम्हें नहीं लगता है हम इस बारे में जानते हैं? हमने तुम्हारी तलाशी ली, तुम्हारे घर की भी तलाशी ली। तुमने उसे कहाँ छुपा कर रखा है? लियो, तुम भी क्यों नहीं? विक, मैं ऐसा नहीं चाहता था। तुम्हारे पास ब्रिलियंट दिमाग है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ वहाँ भगाकर परेशान नहीं करना चाहता। जानते हो, आजकल कई लोग हार्ट अटैक को ट्रिगर करने के लिए सभी तरह के विदेशी कॉकटेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पोटेशियम, सिंट्रम मिक्स, ग्लूकोनॉल। लेकिन मैं पुराने ख्यालात वाला इंसान हूँ, मीडियम साइज पॉकेट के साइनाइड को ट्रिक करता हूँ,
यह हमेशा हार्ट अटैक या अन्यूरिज्म का कारण बनता है। यह पहले भी काम आया है। विश्वसनीयता यह महत्वपूर्ण क्वालिटी है, क्या कहते हो? मैं हमेशा विश्वास और सच्चाई से बड़ा हूं। तुम एक तरह के हीरो हो, है ना? आराम से। एक बात कहूं, जब खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो करने के लिए बहुत कुछ होता है। हेलो, 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 विक, मैं हूँ चक, मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो चक? यार, मैं यहाँ सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है? मैं बस देखने आया था, ठीक है? मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। आओ, विक, जरा आराम से, आराम से। मुझे लगता है वो लोग मुझे मार देंगे। वो शायद तुम्हें बताना चाहते हैं कि बॉस कौन है। क्या तुम वो चीज नीचे रख दोगे? प्लीज, बेवजह मुझे मार रहे हो। वो सिर्फ तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। वो मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? सातवां डिटेक्टर, बिजली लाइन। ठीक है यार, मैं सिर्फ उठना चाहता हूं, ठीक है? आराम से। तुम्हें पता है तुम्हारी एक बेटी है, वो मेरी बेटी के साथ फुटबॉल खेल रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा कोई बच्चा नहीं है। हाँ, सुजन, तुम्हारी वाइफ का नाम है सुजन ओकली। सुजन ओकले, सुजन ओकले, तुम्हें ये नाम कहां से मिला? 10 साल पहले मैं उसके साथ 2 बार डेट पर गया था। चलो लियो का पता लगाते हैं। तो तुम उसे कैसे जानते हो? किसे? सु ओकली। वो मेरे बारे में बात कर रही थी, तुम्हें पता है वो बहुत सुंदर थी। तुम्हें उसके साथ बिताए पल याद है ना? इसीलिए तुम्हें लगा कि हम दोनों के बच्चे हैं। तुम्हें पता है कभी कभी मैं उसके सपने देखता हूं। एलिजाबेथ, वो एक छोटी गोरी लड़की है, बटन की तरह क्यूट। क्या तुम टेलीपैथिक हो या कुछ और? तुम्हें कैसे पता? मेरी बात का तुम यकीन नहीं करोगे। जरा संभल कर रहना। तुम नहीं चल रहे हो क्या? मैं इनवाइट नहीं हूं। गुड मॉर्निंग विक, हमसे जुड़कर कैसा लग रहा है? मैं यहां पहले ही आ जाता लेकिन सुबह मुझे हैंगओवर हो गया था। मेरे प्यारे विक, मैं तुम्हारी ये शानदार बातें मिस कर रहा था।
तो ये जगह कैसी लगी? शर्म की बात है ना, यहां कितने चमगादड़ पाए जाते हैं। तुम पागल हो। कोई एक तरह से पागल तो दूसरी तरह से जीनियस होता है विक्टर। तुमने देखा हम यहां क्या कर रहे हैं? तुमने एक एक्सपेरिमेंट को हाईजैक किया है। ओ हाईजैक, सुनने में कितना भयानक लगता है। हमने जितनी उम्मीद की थी ये कण उससे ज्यादा एनर्जी लेवल पे टकरा रहे हैं, इसी वजह से टाइम आगे बढ़ गया था। तुमने समय बर्बाद कर दिया। जीरो पॉइंट एनर्जी लेवल से हमें क्या लेना देना है? जीरो पॉइंट एनर्जी? सच में जीरो पॉइंट एनर्जी? वो जीरो पॉइंट एनर्जी एक कवर स्टोरी से ज्यादा कुछ नहीं था। फंडिंग के लिए पॉलिटिशियंस के वोट चाहिए थे ताकि हम इसे बेहतरीन बना सके, जिसके लिए बेस्ट इंजीनियर्स की जरूरत थी, सबसे बेस्ट। पर किसी को भी साफ और मुफ्त एनर्जी नहीं बनानी है। मतलब कोई पैसा कैसे बना सकता है, वो भी मुफ्त की एनर्जी से? तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब क्या है? ये सब क्या है? पैसा। पैसा? हाँ, सोचो इसके बारे में। बीम अंतरिक्ष और टाइम को काटने के लिए हाई शक्ति से टकराता है। जो पार्टिकल्स हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमें भविष्य के लिए डेटा प्रदान करता है। तुम सोच भी नहीं सकते बड़े इन्वेस्टर इसके लिए कितना ज्यादा पैसा दे सकते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स? स्टॉक मार्केट के लिए तुमने टाइम शिफ्ट कर दिया? इतना रईस मत बनो विक, मुझे आज भी याद है तुम आए थे मेरे पास कटोरा लेकर पैसा मांगने के लिए। सभी अच्छी चीजें पैसों से मिलती है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। अगर तुम्हारे पास और पैसे होते तो तुम और अच्छा कर पाते। मेरी बेटी मर गई, हमारी दुनिया बर्बाद हो गई। बताओ इसमें क्या ठीक है, मुझे बताओ। मैं जानता हूं कि कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं थे। हमसे जुड़ो, हमें मदद करो इसे बेहतर बनाने में। तुम कर सकते हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम मेरी मदद चाहते हो? हाँ, हाँ, हाँ। हम बहुत करीब हैं। दरअसल हम इस बात को जानने में सक्षम हो गए हैं कि स्टॉक मार्केट में अगले 7 सेकंड में क्या होने वाला है। ये एक क्रांति है। अब क्या ये परफेक्ट है? नहीं, इसीलिए तुम आ गए हो मेरे ब्रिलियंट दोस्त। शैतान लिस्ट में है और उन्हें, तुम्हारे पास दिमाग है उन्हें नीचा करने के लिए। उनसे रिश्ता बनाओ। मैं जानता हूं तुम ये कर सकते हो। देखो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं। ये सिर्फ पुराना दोस्त हो सकता है। हां, मैं जानता हूं तुम्हें चिंता थी कि उसे वो फोन मिल जाएगा और वो स्टीविट के छोटे वायरस को फैला देगा। हाँ, मैं जानता हूं। वो नहीं करेगा। उसका परिणाम क्या होगा पता नहीं, और विक ऐसे जोखिम बिल्कुल नहीं उठाएगा। उसे बस थोड़ा टाइम दो, वो आएगा अपने आप। और ये ज्यादा बेहतर होगा अगर वो अपने टर्म्स पर वापस आता है तो। उसके जीने का मकसद सिर्फ उसकी पत्नी है। हाँ, मुझे भी पसंद है। अरे देखो कौन है। बहुत अच्छा है ना। ओह,
ये तो निक है। I'm sorry. तुम लोगों ने नतालिया को देखा? हाँ, कुछ देर पहले देखा था, लेकिन वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। सुनो, मैं अपनी वाइफ से बात करना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। सुना तुमने? इसे उसकी जरूरत है। सच में मजाक कर रहे हो? हाँ तुम भी। अच्छा, अरे सॉरी सॉरी, मैं नहीं करना चाहता। समय के यहाँ आकर खड़े हो जाओ, आराम से बाप मुझे माफ कर दो। थैंक्स स्वीटहार्ट। मुझे स्वीटहार्ट कहना बंद करो। देखो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मुझे ये बात बताओ। क्या ये क्या है? ओह माय गॉड, ये क्या है? हाँ, ये एक लंबी कहानी है। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैंने क्या किया? तुमने क्या सोचकर जेसिका के 7 या 8 साल के फेक पिक्चर्स बनाए, इससे तुम मुझ तक पहुंचना चाहते थे? हाँ, नहीं। और ये क्या, तुमने मेरे चेहरे को क्यों मिटाया था? क्योंकि ये बहुत बुरा है। ओके, नहीं, ये गलत है। क्या मैं तुम्हें इसमें कुछ दिखा सकता हूँ? प्लीज प्लीज। ठीक है, ये देखो। वो क्या? देखो देखो इसे। ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये रियल है? क्या? ये रियल है। डैडी डैडी, ओ बोलो ना, हाय डैडी, लव यू, लव यू, चलो अब यहाँ आओ। हाय डैडी, आई लव यू। काश तुम यहाँ होते। कैसे किया विक, इतना सब कुछ, और क्यों? ये कोई ट्रिक नहीं है नेड, ये सच है। ये सब 2 दिन पहले हुआ था। ओह नो, मैं क्या कर रही हूं यहां पर? मेरी बात सुनो, 0 पॉइंट कोलाइडर का मेन रिसर्चर मैं ही हूं। सच में? हाँ, बस मेरी बात सुनो तुम प्लीज। जब हम कोलाइडर पे पूरी शक्ति से गए थे तो वहां एक एक्सीडेंट हुआ था, समझी तुम?
हाँ मैं जानती हूँ एक्सीडेंट हुआ था, हम पहले बात कर चुके हैं। मैं कार एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। लियो टार्स्की मेरा पार्टनर था। लियो टार्स्की वो बिलियनर, उसी के बारे में बात कर रहे हो? अच्छा वही वाला। उसने मुझे बिना जानकारी दिए मेरे प्लान को मॉडिफाइड किया ताकि सातवां डिटेक्टर बना के फ्यूचर के डाटा को एकत्रित किया जा सके। मुझे पता था ये पागलपन है, इसी ने टाइमलाइन पे फर्क उत्पन्न कर दिया है। तुम क्या बात कर रहे हो विक, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यही सच्चाई है, गॉर्डन भी ये जानता था, इसीलिए उसने मुझे चेतावनी दी। उसने मेरे लिए कोड छोड़ा, लगता है वो किसी तरह का वायरस था, फिर उसे मार दिया गया। बंद करो विक। मेरी बात सुनो, उस कोड के साथ मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, तुम्हें जेसिका सबको। मेरी बात सुनो, जेसिका को बीच में मत खींचो, समझ गए तुम? सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ याद है? किन यादों की बात कर रहे हो विक? यादें? तुम्हें याद है? नहीं। तुम मुझे याद कर सकती हो? तुम याद करो, जेसिका फुटबॉल खेल रही थी, वो 7 साल की हो गई थी, कपकेक्स के बारे में याद है? कपकेक्स? हाँ, तुम्हारे पास कपकेक्स था। नहीं नहीं नहीं, मुझे याद नहीं है। जेसिका जब 3 साल की थी तो उसकी मौत नहीं हुई थी, वो 7 साल की हो गई है, समझी? तुम एक बुरी माँ नहीं हो, तुम उसकी मौत की जिम्मेदार नहीं हो। मेरी बात सुनो, मैं सब फिक्स कर दूंगा। और तुम इसे कैसे फिक्स करोगे विक? हाँ, मैं कोलाइडर में घुस के कोड का इस्तेमाल करूंगा। प्लीज। ये पागलपन है, मुझे नहीं पता क्या है। कम ऑन, हमें चलना होगा, हमें अभी जाना होगा, चलो। देश के हर भाग में महसूस किया जा रहा है, कैलिफोर्निया से लेकर रोड आइलैंड तक, टेक्सास से लेकर उत्तरी डकोटा तक। डरी हुई जनता दक्षिण की तरफ भागते हुए अपना रास्ता ढूंढ रही है। अभी नहीं तो कभी। मारे जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। नहीं विक, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, मुझे लगता है डॉक्टर फ्रैंक से मिलना चाहिए। करोड़ों लोग मारे गए, करोड़ों लोग घायल हो गए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। ये सब तुम्हारा भ्रम है, सच्चाई नहीं है, ओके? और अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम मर जाओगे। मुझे करना होगा। तुम नहीं जा सकते। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम बाहर नहीं जा सकते विक। लेकिन मैं तुम्हारे लिए वापस लौट के आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। करोड़ों लोग मारे गए, करोड़ों लोग घायल हो गए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, और बहुत सारे लोग लापता हुए हैं जिनका पता अभी तक नहीं चल पाया है। हे, क्या हुआ भाई? शुक्रिया। थैंक्स। हे, मजा आ रहा ना? निक, तुम मेरी गाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो? रुको। वेक वेक वेक, तुम क्या कर रहे हो? कम ऑन। व्हाट? सॉरी यार, उन्होंने मुझे सर्वर बंद करने के लिए कहा था। ओचा, क्यों यार? तुम्हारा खेल खत्म हुआ। हाँ। चलो यहां से। सॉरी यार। तुमने अपने आखिरी पत्ते खेल लिए हैं विक, क्या अब तुम हमारी मदद करोगे?
मेरी डेड बॉडी के ऊपर? नहीं, तुम्हारी डेड बॉडी के ऊपर नहीं, जाहिर है मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुम्हारी वाइफ की डेड बॉडी दिख जाए तो? नहीं, मैं उसे मारने के लिए किसी को भेजूंगा और तुम वो देखोगे। वो हेल्टर शेल्टर में है, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। नहीं 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 नहीं, नहीं, लियो, नहीं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं कसम खाता हूं। मेरे ऑर्डर को रोक दो, विक्टर ने अपना फैसला बदल दिया है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा हाथ मोड़ा, लेकिन यहाँ दुनिया दाव पर है, अब हमें रिएक्शन को सही करना पड़ेगा। हाँ, मैं देख रहा हूँ। ऐसा लगता है तुम्हारा ये कैलेजिन फ्रिक्वेंसी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। देखा, इसे कैसे ठीक करेंगे? एक्सपेरिमेंट बंद करने के अलावा और कोई दूसरा उपाय है? नहीं 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 नहीं। ओके ओके ओके, ऐसा हो सकता है कि फेज को एक्टिव करने के लिए मैं कुछ कोशिश कर सकता हूँ। क्या 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 हो रहा है? रेजोनेंट पल्सेस, कॉर्डन का वायरस। तुम यहां नीचे क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही। क्या? मुझे लगा कि आपको इसके बारे में पता होगा। 3 मिनट के अंदर यह जगह खत्म हो जाएगी। टिन फॉयल, अपनी सुरक्षा के लिए। चलो चलते हैं विक। खुशी से। यहां से बाहर निकल जाओ विक। ऐसा मत करो चक, उससे बात करो विक। तुम्हें पता नहीं इससे क्या होगा? कुछ नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारी हार होने वाली है लियो, तुम यहां से चलो चक। नहीं जाऊंगा यार, अगर मैं जाऊंगा तो वो नीचे चले जाएंगे और इसे ऑफलाइन कर देंगे। मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकता हूं। जाओ नेटली के पास जाओ, जाओ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो दोस्त। ऐसा बिल्कुल मत करना विक। पीछे हो जाओ। हाँ हाँ, पीछे हट जाओ लियो, पीछे हो जाओ। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। टर्मिनल ऑफलाइन है तो उसे बंद कर दो। हमें खाली करना होगा। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक हम इसे पूरी तरह से ठीक ना कर दे। हे लियो, क्या अब कैसा लग रहा है? तुम्हें निकाला जाता है। ठीक है, मैं जाता हूं। मैंने कहा इसे ठीक करो।
नतालिया। विक। विक। तुम वापस आके। मैंने तुमसे वादा किया था ना। बताओ, बताओ मुझे। क्या बताऊं बीबी? हमारी जिंदगी के बारे में। तुम्हारा मतलब हमारी असल जिंदगी? जेसिका, वो बहुत खूबसूरत है बेबी। वो सेकंड क्लास में है और 7 साल की हो गई है। वो बहुत स्मार्ट है, उसके कई सारे दोस्त भी हैं। वो बहुत सुंदर है, हम बहुत खुश हैं। मैं इसे रियलाइज नहीं कर पाया, लेकिन हम बहुत खुश हैं। क्या हम साथ में हैं? हाँ बेबी। बाय बेबी। सोचो तुम इसे कैसे बंद करते हो। हम ये नहीं कर सकते सर। सोचो, तुम्हें पता है ये कैसे करते हैं? ये पॉसिबल नहीं है सर। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। डैडी, आप फुटबॉल बिल्कुल अच्छा नहीं खेलते। तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुम जेस को किक करना सिखा रहे थे लेकिन तुम गिर गए। तुम ठीक तो हो? हाँ, मुझे उम्मीद है मैं बच जाऊंगा। कम ऑन, तुम ठीक हो ना? हाँ। हाय डैडी, आप अजीब हैं। ये भी है कि मैं उतना अच्छा फुटबॉल प्लेयर नहीं हूँ। कोई बात नहीं, फिर भी आई लव यू। लव यू टू। अब तुम यहां से बाहर जाओ और खूब मस्ती करो। हे मिस्टर वी। हे। हे, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? लियो टार्स्की स्टॉक हेराफेरी में गिरफ्तार हो गया। हाँ। जरूर गलत किया होगा। आज का दिन ऐसा ही था। हाँ? है, आज काम से जल्दी घर आने के लिए थैंक यू सो मच। उसके लिए बहुत मायने रखता है। दुनिया के लिए मैं इसे मिस नहीं कर सकता।